जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से क्लास 13 में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम डेली स्टैटिक, जीके एंड जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कवर करते हैं। डेली 10 क्वेश्चन की आपकी ये सीरीज रहती है। हमारी फर्स्ट 12 क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों के ऊपर अपलोड हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, अपने नोट्स आप बना सकते हैं। ये सभी क्लासेस हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जितने भी एग्जाम अभी हाल ही में होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस को कवर करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। अवर्त सारणी के 15वें समूह को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आप सभी ने देखा है पीरियोडिक टेबल, 10th क्लास तक तो सभी स्ट्रीम्स में आपको पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स में 5th चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल का, क्लास 10th में। तो इस 15 जो समूह है, 15 जो ग्रुप है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टेट्रेल ग्रुप, केलोजन ग्रुप, हेलोजन या फिर निक्टोजन? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं दी है। इन चार नामों में से आपने कौन सा नाम जो है वो सुना है, ये आपको यहाँ पे बताना है क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है और ज्यादा फंडा नहीं है इसमें। हेलोजन ग्रुप आपने सुना, हेलोजन जो है वो ग्रुप 18 को कहा जाता है डायरेक्ट, ये तो आपका निकल आया। उसके बाद निक्टोजेन जो है, निक्टोजेन इसका मतलब है, निक्टोजेन का मतलब है पहला एलिमेंट जो है वो एन से शुरू होगा, यानी कि नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो है ये कौन से ग्रुप में आती है? 15th ग्रुप में आती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट है। ग्रुप 15 को निक्टोजेन ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सारी फैमिली है वहां पे, फॉस्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारी जो हैं वो किस में आती हैं? ग्रुप 15 में आती हैं। और नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि उसका उपयोग जो है वो हमारा माचिस बनाने के लिए किया जाता है, उसके बाद खाद बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, आतिशबाजी में उसका हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द अटोमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्मेनियम का अटोमिक नंबर बताना है, परमाणु संख्या कौन सी है। ज्यादातर आपके एग्जाम में सोडियम का पूछा जाता है, 11वें नंबर पे सोडियम आता है, लेकिन क्वेश्चन में इस बार पूछा गया जर्मेनियम कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए, जर्मेनियम का भी पता होना चाहिए, मोस्टली हमें फर्स्ट 30 एलिमेंट का तो पता होता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि यूरेनियम है, उसके बाद बिस्मत है, जर्मेनियम है, सिलिकन है, फास्फोरस है, या फिर फास्फोरस तो सॉरी 15 पे आता है, उसके बाद टंगस्टन है, आयोडीन है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 32 नंबर पे कौन क्या आता है? जर्मेनियम आता है, 32 नंबर पे आता है जर्मेनियम। लेकिन जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएगी? तो ये मैंने यहाँ पे जर्मेनियम का जो है वो क्या बनाया, एटम में यहाँ पे बनाने लगा हूँ। अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फर्स्ट शेल में तो आ जाएंगे कितने, 2, ठीक है, ऐसे बनते के 11, ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2, दूसरी में आ जाएंगे 8, उसके बाद 8 और 10, और ये आगे 18, 28 हो गए, 2, 8, 18, और लास्ट में कितने बचे, लास्ट में बचेंगे 4। तो ये इसकी क्या बन गई, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किस वंश से संबंध रखता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है वहीं से आप इसका राइट आंसर जो है वो पता कर सकते हैं। किस वंश से जो है वो संबंध रखता है, किस कैटेगरी का जो है वो मनुष्य को कहा जाता है, प्राइमेटा है, होमो है, होमिनिडी है, मैमिलिया है? तो मनुष्य को जो है वो होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। तो प्रजाति कौन सी हुई फिर? होमो की प्रजाति हुई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है,
जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस ये आपको ध्यान में रखना है। होमोसैपियंस किसका नाम है, मनुष्य का नाम है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है, एट व्हाट पीएच वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डिके, जो हमारे दांत हैं वो कितने पीएच के बाद जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये आपको बताना है कब जो है वो दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 5.5। 5.5 जो है वो हमारे पीएच वैल्यू है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये ज्यादा एसिडिक होने की वजह से ये हमारे दांत क्या हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि 5.5 जो है वो किस कैटेगरी में आता है, एसिड की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में, एसिड की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ये जो है वो क्या हो जाएंगे, उसके बाद ये सड़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर, यानी कि जो बीपी है उसको मेजर करने की मशीन का नाम क्या है। बैरोमीटर तो नहीं है ये, तो किसको मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब हम जिसको कहते हैं। हाइड्रोमीटर तो पानी से रिलेटेड है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्मामीटर नॉर्मल टेम्परेचर को मेजर करता है। तो बचा क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, और हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ Hg, ये इसका राइट आंसर रहेगा। 120/80 mm ऑफ Hg, कई बार ऑप्शन में 80/120 mm ऑफ Hg लिखा जाता है, ये आपका गलत है। आपको 120/80 जो है वो लिखना है, 120 पहले आएगा 80 बाद में आएगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है, ये आपको बताना है, सफारी, लाइनेक्स, मैकोस या फिर विंडो। तो ब्राउजर कौन सा, ये थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक डाला है, यहाँ पे आप बताइए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा सोचिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको बताना है वेब ब्राउजर। तो देखिए यहाँ पे जो वेब ब्राउजर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वेब ब्राउजर का मतलब है जहां जहां पे मैं इंटरनेट चला सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूँ, वेब, वेब का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्राउजर की बात की गई है, ठीक है, जिसके अंदर मैं गूगल चला सकता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या चला सकता हूँ, इंटरनेट यूज कर सकता हूँ। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, सफारी। सफारी इज द राइट आंसर, ये क्या है, एक ब्राउजर है। जैसे आपका गूगल क्रोम है, उसके बाद ओपेरा मिनी है, या लैपटॉप पे फायरफॉक्स आता है, ये हमारे क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ये क्या है, ब्राउजर हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन जब हम लाइनेक्स, विंडो या मैकोस की बात करते हैं, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे लैपटॉप के अंदर फिट किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को रन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कंप्यूटर की भाषा में यूआरएल होता है, ठीक है, यूआरएल, उसमें आर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना, उसके मैं फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। तो यूआरएल जो है एक लिंक है आपका, एक टाइप का, ठीक है, यूआरएल जो है एक टाइप की लोकेशन है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज का लिंक कॉपी करते हैं, ठीक है, ऊपर से जहां पे हम किसी चीज को सर्च करते हैं उसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, इसका मतलब हमने उसका एड्रेस ले लिया, यूआरएल उसका हमने ले लिया, ठीक है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आर का मतलब क्या हुआ, रिसोर्स, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस फैट टैक्स ऑन जंक फूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ये जो है वो सबसे पहली बार भारत में लगाया गया था।
भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर टैक्स लगाया है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जंक फूड पर टैक्स लगाया है, तो वो राज्य था, पहला राज्य वो कौन सा था, केरल। या फिर अभी तक इन चारों में से जो है किस राज्य में फूड के ऊपर, यानी कि जो भी खाना होता है उसके ऊपर फैट, जंक फूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो फैट टैक्स लगाया था, फैट टैक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल टैक्स अलग है, फैट टैक्स अलग होता है। तो ये किसने लगाया था, केरल ने लगाया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन आज किस क्लास का, लॉर्ड महावीरा वाज बोर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ, कहां पे उनका जो है वो जन्म हुआ था। तो हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बिहार में जो है वो उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाज, किसको जो है पहली बार, पहले भारतीय नागरिक ऐसे कौन थे जिनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था, उनका नाम जो है वो आपको बताना है। विजय पंत सिंघानिया, उसके बाद है टाटा जी, उसके बाद है गोपीनाथ जी और है विजय माल्या। तो विजय माल्या जी तो इसका राइट आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है JRD टाटा। JRD टाटा जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, टाटा कंपनीज की, टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो दिया गया था। आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी। डेली हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर के लिए आप विजयपथ एजुकेशन के न्यूज़पेपर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के करंट अफेयर को डेली टू डेली आपके ग्रुप में भेजा जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो भी हमारे हिमाचल के न्यूज़पेपर रहते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर जो हैं, जैसे कि हमारे पंजाब केसरी है, दैनिक जागरण है, दिव्य हिमाचल है, अमर उजाला है, या फिर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं जो हमारी वोकैब के लिए काफ़ी बेहतरीन रहते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, ये सभी जो हैं वो आपके इस ग्रुप में जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। डेली टू डेली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे प्ले स्टोर से विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए, इसमें हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए गए हैं बिल्कुल नॉमिनल से प्राइस के ऊपर। फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी एक कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस बेसिक फाउंडेशन कोर्स का जो अभी प्राइस है वो 999 रखा गया है। अभी नवरात्रि ऑफर आपके लिए चलाया गया है 999 में, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो सभी की सभी उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए, और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, क्योंकि कभी भी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग आपके एग्जाम को कवर कर सकता है। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।